छिंदवाड़ा के परासिया में नारी सम्मान योजना की घोषणा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ ने दो महिलाओं से फॉर्म भरवा कर इस योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर सबसे पहले भाषण देने के लिए सांसद नकुलनाथ की पत्नी प्रियनाथ को आमंत्रित किया गया। प्रियनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि यह योजना नारी शक्ति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी सभा को संबोधित करने की शुरुआत नारी सम्मान योजना से की है। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि नारी सम्मान योजना आधी आबादी के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आएगी। आज पूरा देश प्रदेश गैस और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। आम आदमी के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में यह योजना जरूरतमंदों को राहत प्रदान करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, चाहे वह किसान हो या नौजवान हो या घर चलाने वाली गृहिणी हो। हमें जब इस योजना की शुरुआत करने का प्लान बनाया तो सबसे पहले मैंने छिंदवाड़ा से शुरुआत की, क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। आज भाजपा के बाद पुलिस और प्रशासन के अलावा कुछ नहीं बचा है, प्रदेश की जनता उनके साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना में हर महिला को 1500 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास केवल 5 महीने बचे हैं। इस बीच उन्होंने जितना भ्रष्टाचार करना हो वे कर ले, इसके बाद हमारी सरकार बनेगी और हम जनता के कल्याण के लिए और भी योजनाएं लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि शिवराज जी अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं, इसके बाद प्रदेश की जनता आपको विदा करेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। इस अवसर पर देश के प्रसिद्ध पर्वतरोही मेघा परमार ने कांग्रेस की सदस्यता कमलनाथ के सामने ली और कहा कि यदि कमलनाथ का सहयोग नहीं होता तो शायद मैं माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल नहीं कर पाती। परमार जी ने आज कांग्रेस में प्रवेश किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। जब ये नारी सम्मान योजना हमने भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में तय करी तो प्रश्न उठा, इसका उद्घाटन कहां हो, इसकी शुरुआत कहां हो। सबने अपने अपने जिले की बात करी, सबने कहा आप यहां करिए, आप खंडवा में करिए, आप रतलाम में करिए, आप रीवा में करिए। पर मैंने तय किया और नकुल ने भी आपको बताया कि मैं वहां इसकी शुरुआत करूंगा जहां मैंने। NBCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।